3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों को। 1250 वो भी सांस ले ले के दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। कि हर घर को रोजगार, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला, ये प्रदेश के साथ धोखा है। तो मोहन भैया, धोखा देना बंद करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेगा। आज ही नोटिफिकेशन हुआ है, गेहूँ का 2250 रुपये, 3100 रुपये में उन्होंने कहा था हम धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का, आपने 2700 का वादा किया, ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूँ 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। 3000 रुपये बहनों को लेकर आपने बातें की थी, उनको आप जो 1250 वो भी सांस ले ले के दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। आपने 2 लाख नौकरियों की बात की थी, हर घर को रोजगार, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला, ये प्रदेश के साथ धोखा है। तो मोहन भैया, धोखा देना बंद करो, और आपसे प्रार्थना है, किसानों के गेहूं का नोटिफिकेशन आपने 2250 किया है, उसको 2700 रुपये करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेगा। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी, अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी, अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आपने जो 2250 रुपये गेहूं को रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए हैं, ये अन्याय है, और विधानसभा में विधायक दल की मीटिंग में भी हम इस बात को पूरी ताकत से रखेंगे कि सारे विधायक एक साथ किसानों के हित में, अपनी बहनों के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं मानता हूं सरकार संज्ञान में लेगी, अन्यथा कांग्रेस अपना रोल निभाएगी।